नमस्कार, लव यू नेचर चैनल के माध्यम से आपका गार्डनिंग दोस्त मैं कुलदीप त्यागी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप आज का टाइटल देख रहे हैं कि ऑनलाइन सीड सेलर, जो भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप सीड ऑर्डर करके, बीज ऑर्डर करके मंगाते हैं, वो कंपनीज किस तरह से एक आम उपभोक्ता को ठग लेती हैं, कैसे वो अपने ही कंज्यूमर को बीजों के, प्लांट के, सीड के बारे में बताती दिखाती कुछ और हैं, और वो सीड या बल्ब या ट्यूबर या प्लांट आपको जो भेजा जाता है वो कुछ और ही होता है, जिसको देखकर या जिसके रिजल्ट को देखकर आप हैरान और निराश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ ऑनलाइन कंपनीज की धांधलियां जो आपको सीड, प्लांट, ट्यूब, ट्यूबर, बल्ब सप्लाई कर रही हैं, धांधलियां और फ्रॉड में आपको आज बताने वाला हूं, और 100% श्योर हूं कि आप में से कोई ना कोई जरूर इस तरह की चीटिंग का शिकार कभी ना कभी हुआ होगा। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी ऑनलाइन कंपनी द्वारा, ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा, ऑनलाइन नर्सरी या गार्डन स्टोर द्वारा आप ठगी का शिकार हुए हैं। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आइए मैं बताता हूं ऑनलाइन गार्डनिंग कंपनी के कुछ खास धोखाधड़ी के पॉइंट्स। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली धांधली कि कुछ ऑनलाइन सीड या प्लांट सेलर आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या और किसी वेबसाइट के जरिए ही दिखाते कुछ अजब गजब है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ होना संभव नहीं होता। दोस्तों, जैसे ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, एक ऑनलाइन वेबसाइट पर यह पिक्चर दिखाई जा रही है, रेनबो टोमेटो सीड या प्लांट, जिसकी अच्छी खासी कीमत भी है दोस्तों, लेकिन वास्तव में ये एक स्कैम है। ऐसे प्लांट या उत्पादन का पूरी दुनिया में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे ही हाइड्रोजेनियम रोज एंड फ्लावरिंग शर्ब सीड, ये पिक्चर देखिए दोस्तों, बेल की तरह से प्लांट चलेगा और इसमें बहुत सारे गुलाब लगेंगे। ये देखिए रेनबो ऑर्किड लिली, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ब्राइट ब्लू और पर्पल फ्रूट्स, यानी कि ब्लू एंड पर्पल स्ट्रॉबेरी आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्लू एंड पर्पल स्ट्रॉबेरी। ये ब्लू रोज देखिए दोस्तों, ये ब्लू रोज, ये माउथ शेप में प्लांट है और ये मैनी कलर रोज है। एक ही पौधे पे कितने सारे कलर में, एक फूल में भी कई कई कलर है ये, और भी ना जाने कितने ही इसी तरह के बकवास और बेतुके लुभावने डिटेल्स आपको दिखाकर ये फर्जी कंपनियां आपको लूट लेती हैं दोस्तों। और कमाल की बात यह है कि ये सभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे जैसी रेप्यूटेड वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी धोखेबाजी से आपको सावधान रहना है दोस्तों, बिल्कुल बचें ऐसी किसी भी खरीदारी से। अब आगे बताता हूं दोस्तों, ये देखिए साथियों, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सीड स्कैम है बेंगलुरु का, जहां एक दिव्य और अद्भुत चमत्कारी सीड के बारे में लोगों को सोशल साइट के माध्यम से बताया गया कि इस सीड से कैंसर भी ठीक हो जाता है, और इस हाल में 5 करोड़ रुपए की राशि लोगों से लूट ली गई। इसे और ज्यादा आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा दोस्तों, बस गूगल पर लिखिए सीड स्कैम इन बेंगलुरु। तो ऐसी किसी स्कीम में आपको सावधान, ऐसी किसी भी स्कीम से आपको सावधान रहना है दोस्तों। कुछ ऑनलाइन नर्सरी और गार्डनिंग सेलर इस तरह के फ्रॉड अभी भी कर रहे हैं। मैं यहां उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप सर्च आप करेंगे तो ऐसी फ्रॉडी कंपनीज को आप पहचान लेंगे दोस्तों। अब आगे बताता हूं साथियों, जब भी किसी ऑनलाइन नर्सरी, ऑनलाइन गार्डन स्टोर से आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, तो उस सेलर या कंपनी की सोशल रेपुटेशन, कस्टमर रिव्यूज, ऑथेंटिसिटी जरूर चेक कर लें। अभी कुछ दिन पहले इसी तरह के ऑनलाइन सीड सेलर से मैंने लगभग 4,000 रुपए का एक ऑर्डर डाला और उन्होंने पेमेंट एडवांस में करने को कहा। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन दोस्तों, जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो प्रीपेड ऑर्डर के साथ पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी देती है। इन सेलर ने मुझसे किसी पर्सनल अकाउंट की डिटेल मोहित नाम से शास्त्री नगर गाजियाबाद ब्रांच की दी, व्हाट्सएप पर शेयर की और उसमें पेमेंट करने को कहा। मैंने कहा दोस्त, मैं आपको कैश में पेमेंट करूंगा, बताइए कहां आकर मैं आपसे सीड कलेक्ट कर लूं। उस दिन के बाद साथियों, आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। साथियों, आप भी इसी तरह के प्रीपेड ऑर्डर करने से बचें, जिसमें आपको पेमेंट एडवांस में या फिर पर्सनल अकाउंट में मांगी जाए, तो ऐसी सावधानी आप भी जरूर है। एक और बड़ा धोखा जो अक्सर देखने में आता है, हम जब भी ऑनलाइन बीज या बल्ब या ट्यूबर या लाइव प्लांट का ऑर्डर करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की उपलब्धता उस सेलर के पास ना होने पर ये खरीदे गए प्रोडक्ट को ये रिप्लेस करके कुछ और ही आइटम भेज देते हैं, या कई सारे ऑर्डर बुक एक साथ कर देने पर आइटम शॉर्ट करके भेज देते हैं।
मसलन क्वांटिटी जो प्रॉमिस की गई है उतनी नहीं भेजी जाती है। जैसे 15 सीड या बल्ब का ऑर्डर हो तो वो 13 या 12 ही निकल रहे होते हैं। 12-15 पैकेट सीड अलग अलग ऑर्डर करने पर पता चला 1-2 पैकेट ही मिस कर दिए। अभी अभी मेरे साथ ये हुआ दोस्तों, nurserylife.com करके बहुत फेमस वेबसाइट है, उसने यही धांधली मेरे साथ की है, यही धोखेबाजी मेरे साथ की है। ऑर्डर शॉर्ट भी था और जो मैंने ऑर्डर किया उससे सीड को रिप्लेस करके भी भेज दिया दोस्तों। बहुत से ऑनलाइन सीड सेलर कागज की पैकिंग में सीड पैक करके भेज देते हैं, जो कि सीड्स को हैंडल करने की उनकी पुअर प्रैक्टिस को दर्शाता है। seedandplants.com से ऑर्डर करने पर मेरे साथ यही हुआ दोस्तों, कागज की पैकिंग में मुझे सीड मिला। दूसरा, गिफ्ट सीड का ये एक लालच देते हैं कि हम आपको गिफ्ट भेजेंगे, कुछ सीड अलग से गिफ्ट सीड का प्रॉमिस करते हैं लेकिन भेजते नहीं, जबकि लोकल सीड मार्केट से इनका प्राइस काफी ठीक ठाक है दोस्तों। कुछ सेलर के द्वारा दिखाए गए सीड तो बेनारी, सिजेंटा, सकाता, टाकी, पैन अमेरिका जैसी नामचीन कंपनी के होते हैं, लेकिन जब ऑर्डर आपको प्राप्त होता है तो ये किसी छोटे से पैकेट या लिफाफे में बिना किसी एप्रोप्रिएट डिटेल्स के आपको सीड भेज दिया जाता है। अब ऐसे सीड या बल्ब का क्या भरोसा उसकी क्वालिटी या वायबिलिटी का कि वो एप्रोप्रिएट जो हम चाहते हैं, जिसका हम पैसा दे रहे हैं, वो है भी कि नहीं। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत तरह की शिकायत या कंप्लेंट्स इन ऑनलाइन सीड सेलर या ऑनलाइन गार्डनिंग स्टोर या ऑनलाइन प्लांट सेलर्स की है, जिनमें सीड की गिनती कम होना, पैकिंग का खराब होना या अच्छी गुणवत्ता का ना होना, मांगे गए सीड के अलावा कोई और दूसरा सीड भेज देना, सीड की प्रॉपर डिटेल्स जैसे डेट ऑफ टेस्टिंग, डेट ऑफ पैकिंग, जर्मिनेशन रेट, जेनेटिक प्योरिटी, मॉइस्चर कंटेंट, एक्स्ट्रा वेस्ट, उस किसी भी डिटेल्स का गलत प्रिंट या प्रिंट ना करना, इस तरह से भी कर देती है ये कंपनियां। नॉन वायबल सीड्स जो उगने के काबिल ही नहीं, ऐसे सीड भेज देना, सीड में अत्यधिक मात्रा में कूड़ा, करकट, घास, तिनके, घास के बीज या दूसरी किसी फसल के बीज मिक्स करके भेज देना, ये भी ऑनलाइन सीड ऑर्डर करने पे एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी धांधली है। कूड़ा, करकट, घास के बीज, तिनके, छोटे छोटे कंकर पत्थर की मिलावट, छोटी लकड़ियां, ना जाने कितनी ही तरह की धांधलियां और चीटिंग्स आजकल ऑनलाइन सीड या प्लांट बेचने वाली कंपनियां बहुतायत में कर रही हैं। आज की इस वीडियो का आप तक पहुंचाने का मुख्य मकसद इसी इन्हीं सब जालसाजियों से आपको अवगत कराना था, ताकि अगली बार जब भी आप ऑनलाइन सीड या बीज या लाइव प्लांट, कलम, कटिंग, बल्ब, कुछ भी मंगाए तो अपनी आंखें खुली रखें, यूं ही ऐसे किसी कंपनीज के छलावा में ना आ जाए, सही से अध्ययन करके, जांच परख करके तब ऑर्डर करें। और यदि फिर भी कोई जालसाजी या ठगी आपके साथ होती है, कुछ मिसहैपनिंग या गड़बड़ी होती है, तो हमारी मेल आईडी पर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं दोस्तों, हमें भी सूचित करें, ताकि हम और आप मिलकर इन धोखेबाजों से अपने हक और उपभोक्ता अधिकार की रक्षा कर सकें। मेरे गार्डनिंग दोस्तों, अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभव और मेरे जैसे हजारों गार्डनर्स के अनुभव से कि कौन कंपनियां हैं ऑनलाइन जिनकी रेप्यूटेशन है, जो कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करती हैं और उनको जो मांगे गए प्रोडक्ट हैं बिना किसी जालसाजी, धांधली और धोखेबाजी के देती हैं। ऐसी कंपनी इसकी 10-15 कंपनी की एक लिस्ट मैं आपको साझा करूंगा, जो वाकई मार्केट में रिलायबल कंपनीज हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त गार्डनिंग के इक्विपमेंट आप ऑर्डर कर रहे हैं, बल्ब, ट्यूब, सीड्स या लाइव प्लांट आप ऑर्डर कर रहे हैं, उन सब का पूरा रिसर्च, एक पूरा निचोड़ मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा। साथियों, अगला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल और मददगार साबित हुआ हो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।